नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जंक्शन पुलिस थाना में लगे पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे, थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी के घायल हुए लोग। नहर में डूबने से युवक की मौत, 24 घंटे बाद मिली लाश। टाउन में जोर मिलेगा आगाज, कबड्डी प्रतियोगिता का क्रेज चरम पर। कांग्रेस करेंगे सोमवार को प्रदर्शन, सरकार पर साधा निशाना। अब समाचार विस्तार से। यूं तो नगर परिषद का मुख्य दायित्व तो शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाना है, लेकिन हनुमानगढ़ के परिप्रेक्ष्य से बात अलग है। यहां पर नगर परिषद का मुख्य कार्य कब्जा हटाना भर रह गया है। अब इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं कि जब कब्जे होते हैं तो नगर परिषद के हुक्मरान चादर ओढ़कर आराम क्यों फरमाते हैं, उसी वक्त कब्जे हटा क्यों नहीं देते। खैर, सुरेशिया में कब्जा हटाने गए कार्मिकों के साथ नोकझोंक का मामला अब पुलिस थाना पहुंच गया, लेकिन जंक्शन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी ने केस को इस तरह डील किया जिससे पुलिस के खिलाफ उतरी जनता पुलिस के पक्ष में नारे लगाने से भी नहीं चुकी। बड़ी खबर में आज हम आपको यही दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे, दो दिनों से लापता युवक की लाश रविवार को कैसे मिली। वहीं जोड़ मेले के तहत हो रही कबड्डी प्रतियोगिता सहित बहुत सारी खबरें, बने रहिए स्काई चैनल के साथ। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं जंक्शन थाना में हुए प्रदर्शन के साथ। आमतौर पर पुलिस के खिलाफ एक ही नारा लगता है। जी हाँ, आपने सही समझा, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे तो लगते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभार होता है जब पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं। रविवार को ऐसा ही हुआ। मौका था जंक्शन थाने का। पहले तो लोग आक्रोशित होकर थाना पहुंचे, लेकिन जब थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी ने जैसे अपने व्यक्तित्व से सबको प्रभावित कर दिया तो फिर उनके पक्ष में खूब नारे लगे। हनुमानगढ़ शहर में कब्जा हटाओ अभियान का विरोध चल रहा है। इसके तहत सड़क जाम किए गए। बताया जा रहा है कि नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई के साथ वार्ता में समझौता भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद कब्जे तोड़ने की कार्रवाई हुई। सुरेशिया के नागरिकों का कहना है कि समझौते में यह बात खास कर की गई थी कि पुराने कब्जे को हटाने की कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि नए कब्जे को ही हटाए जाएंगे। लेकिन नगर परिषद के अधिकारी कथित रूप से पुराने कब्जे हटाने पहुंच गए। इससे पार्षदों के साथ उनकी कहा सुनी हो गई और वहां से उन्हें जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसके बाद नगर परिषद की ओर से पार्षदों और नागरिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। इस घटना से नागरिकों में रोष फैल गया। उनका कहना था कि इस तरह की मनमानी कैसे सहन की जाएगी। पार्षद अशोक यादव, निरंजन नायक, हाकम सिंह, गुरदीप सिंह चहल आदि ने कहा कि नगर परिषद की मनमानी सहन नहीं की जाएगी। वे आक्रोशित होकर थाना पहुंचे। आज सी जी साहब का मैं बैठे आठ है, आज मैं सो की मट्टी का मट्टी पर हो रहा है। आज मैं मारा प्लाट एक ही कौन छोटा तो मरांगा मरांगा बस, यकीन भी कार गाड़ी जागी मैं तोड़ांगा तोड़ांगा टूटांगा। चाहे ना की गए रोटी, ना की गए पानी, कमा के कौन खान दो कोई ढंग के जमे गवर्नमेंट आ तो कोके भी मर जाइयो थे का मारो तो ना थे मने पुलिस में ले चलो रो सर आई आनंद भाई। हां हमारे को कुछ नहीं चेकिंग, कोई 10 प्लाट कौन की ना कोई 50 प्लाट कौन, ठीक है ना। मारे मोहल्ले में आके आग लगा देंगे, मैं खुद मर जाऊंगा और मार देंगे ना। मारो आज मारो पार्षद मारो वास्ते जान दे दे, मैं पार्षद के पीछे मारी जान देवांगा और मार्क ने की कोनी मार्क ने मारी जान है आ दे देंगे जा मार देंगे जा मर जाऊंगा। थाने में हमारे आदमियों पे केस किया हुआ है, इसलिए हमारे पे झूठा केस क्यों लगाया, किस लिए लगाया, एक दूसरों मदद करा दो क्या वास्ते करा। हमें गरीब कच्ची बस्तियों का और नगर परिषद का आपसरी का ये मामला है, और नगर परिषद में जिस दिन घेराव किया था उस दिन कमिश्नर साहब ने कहा था कि जो पुराने बसे हुए लोग हैं उनके प्लाटों में हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और जो अभी ताजा ही जिन्होंने बीघा बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हम लोग उस पर सहमत हो गए थे, सारी बात हो गई थी, जनप्रतिनिधि थे, पार्षद थे, सभी लोगों ने कहा साहब ऐसी बात है गरीबों को मत उजाड़ो, और जो अवैध कब्जा कर रहे हैं, जो ताजा कब्जा कर रहे हैं उन लोगों को आप उजाड़िए। तो कमिश्नर साहब इस पर सहमत हो गए। उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, चुना फाटक में जाम हुआ, उस दिन भी उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद कल कोई जयन साहब वहाँ मुकदमा करने के लिए आए तो अनपढ़ लोग थे, उन्होंने रोक लिया, तो हमारे पास निरंजन जी ने उनको भेज दिया वहाँ से, क्योंकि गर्मा गर्मी का माहौल था। उसके बाद
कमिश्नर साहब ने रंजिश वासी इन लोगों के ऊपर केस कर दिया, तो ऐसी टकराव की स्थिति ना हो। अब इसी मिले हैं तो प्रशासन बैठ के बात करे। मकान तोड़ने वाला प्रोग्राम चला रखा है, ये बिल्कुल गलत है। कमिश्नर साहब ने चूना फाटक में हमारे से वादा किया था कि मैं कच्ची बस्ती में नहीं आऊँगा, ना ही मेरा उड़न दस्ता आएगा, ना ही मैं मकान तोड़ूंगा। जस्ट उसके दूसरे दिन कमिश्नर साहब ने गाड़ी भेजी और खुद आया मौके पर, और एक गरीब छत लगा रहा था जो उसको कर्मचारियों ने गाड़ी गलोच की और उनके कस्सी बटर जब्त किए, और उन्हीं पर जाके एक हनुमान सिंह खोड, मलकीत बाजीगर, जगदीश बावरी, निरंजन टैनी, इन आदि पे मुकदमा दर्ज करवाया इन्होंने, जो मुकदमा बिल्कुल झूठा है। एक तरफ पुलिस थाना के बाहर प्रदर्शन हो रहे थे और दूसरी तरफ थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी पार्षदों के साथ वार्ता कर रहे थे। बातचीत होने के बाद वे बाहर निकले तो नागरिकों ने एक बारगी विरोध करना चाहा, लेकिन जब नारायण सिंह भाटी ने अपनी बात रखी तो लोगों ने उनके पक्ष में नारेबाजी शुरू कर दी। बात नहीं है, हम सही तफ्तीश करेंगे, कोई गलत नहीं होने देंगे, किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि आप दोनों पक्षों का कोई ना कोई परमानेंट समाधान निकल जाए, आइंदा के लिए परेशानी। नगर परिषद कमिश्नर ने सुरक्षा बस्ती में कोई अतिक्रमण हटाने वाली टीम के साथ कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें कोई पार्षद वगैरह भी शामिल है, के द्वारा उनके कार्य में बाधा और उनको धमकाने के संबंधी मुकदमा दर्ज कराया था। उसके विरोध में सुरक्षा के लोग आए थे कि हमारा कोई नया अतिक्रमण नहीं कर रहे थे, हमारा पुराना आशा नया मकान जो गिर गया था बारिश की वजह से उसको रिपेयर कर रहे थे, उसको वापस ठीक कर रहे थे, इस बात को लेकर आए थे। तो आश्वासन दिया गया कि सही जांच कराई जाएगी, मुकदमे को गलत कार्रवाई नहीं की जाएगी, और जो जितना घटनाक्रम हुआ है उस बारे में दोनों पक्षों से तसल्ली से तफ्तीश करके हल निकाला। होनी को कौन टाल सकता है? जी हाँ, हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सतीपुरा निवासी नथुराम गोस्वामी बेहद संजीदा इंसान था, लेकिन दो दिनों से वह गायब था। पुलिस में गुमशुदगी भी दर्ज करवाई गई, लेकिन जब पुलिस ने पता किया तो उसकी चप्पलें और साइकिल नहर के पास मिली। बाद में गोताखोर ने नहर से लाश बरामद की। आपको बता दें कि मृतक नथुराम की दो संतान हैं जो नाबालिग हैं। सतीपुरा निवासी नथुराम उर्फ अरुण कुमार पुत्र कालूराम गोस्वामी दो दिनों से लापता था। उसके परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी भी दर्ज करवाई थी। रविवार को पुलिस ने रोरावाली के पास नहर में एक लावारिस साइकिल और चप्पलें देखीं। परिजनों से पूछने पर इस बात की पुष्टि हुई कि साइकिल और चप्पलें नथुराम की ही हैं। इसके बाद पुलिस को लगा कि नथुराम नहर में डूब चुका है, लिहाजा सूर्यवाला से गोताखोर को बुलाया गया। गोताखोर ने कुछ ही घंटों में शव को खोज निकाला। एएसआई मंगत सिंह के मुताबिक लाश निकाली जा चुकी है। आपको बता दें कि नथुराम बेहद हंसमुख और शांतचित्त युवक था। बेटा संजय 15 साल का है और बेटी चंचल महज 10 साल की। भूपराम स्नोप कालूराम ने एक रिपोर्ट दी है कि उसका भाई जो कल शाम से घर से लापता है, तो अभी उसके संदर्भ में यहाँ ढूंढते हुए आए तो पता चला कि उसकी साइकिल और उसके कपड़े नहर के किनारे खड़े हैं, पेड़ के नीचे, और उसकी जो चप्पलें हैं ये नहर के अंदर नहर के किनारे पड़ी हैं। तो संभावना ये जताई जा रही है कि उसकी नहर में उसने छलांग लगा ली। जोड़ मेले का आगाज हो चुका है हनुमानगढ़ टाउन में। इसके तहत शुरू हुई कबड्डी प्रतियोगिता, इसमें विभिन्न टीमें भाग ले रही हैं। मैच को लेकर हर वर्ग में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हनुमानगढ़ टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में ऐतिहासिक जोड़ मेले का आगाज हो चुका है। इसके तहत कबड्डी मैच का आगाज हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में शुरू मैच में रायसिंह नगर की टीम विजयी रही। सुखा सिंह महताब सिंह स्पोर्ट्स क्लब की ओर से जत्थेदार बाबा बलकार सिंह की ओर से मैच करवाए जा रहे हैं। पहला मैच 18F और लोहारू कबड्डी क्लब रायसिंह नगर के बीच हुआ, जिसमें रायसिंह नगर की टीम विजय रही। दूसरे मैच में दानेवाला की टीम ने तलवारा की टीम को पराजित किया। रेफरी की भूमिका निभा रहे हैं कोच त्रिलोक सिंह मल्ली और परमजीत सिंह खिब्बा। समिति के सचिव कश्मीरा सिंह व गुरमीत सिंह चंद्रा के मुताबिक इसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की विभिन्न टीमें भाग ले रही हैं। विजेता टीम को 31,000 और उपविजेता को 21,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे।
गुरद्वारा बाबा सुखा सिंह बाबा महताब सिंह का अज कबड्डी का क्लब जिहड़ा पूरे राजस्थान के ओपन खिडारी आए आ और बहुत ही वधिया मैच हो रहा। इस मैच का उद्घाटन सरदार बलकौर सिंह खोसा ने किया और होर पर इलाके दी संगत बेनती है कल नूं बहुत वड्डा मैच लगनगे हरियाणा और पंजाब दीआं वध तों वध टीमां पहुँच के और मैच विखाउणगीआं और इलाकां नूं असीं बेनती की जाती है भी कल नूं वध तों वध चढ़ के आउण ते आपणा मेले का रंग माणन। जिहड़े राजस्थान ओपन दे है ते राजस्थान ओपन दीआं 6 टीमां आईआं सीगीआं जिन्हां दे मैच होए कल नूं राजस्थान कल नूं हरियाणा और पंजाब दे ओपन मैच होणगे जिहदे 12 टीमां आउणगीआं। शाम नूं 4 बजे तो लैके रात नूं 10-11 बजे तक मैच कराए जाणगे और जनता नूं सारिआं नूं साडे वल्लों बेनती की जाती है क्लब वल्लों बेनती की जाती है कि ज़्यादा तो ज़्यादा आके मैचों का आनंद माण सकन। कर्मचारियों की आंखों की किरकिरी बन चुकी है राज्य सरकार। श्रम विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए एटेक सहित विभिन्न कर्मचारी संगठन सोमवार को कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर एटेक नेता राम कुमार ने स्पिनिंग मिल में गेट मीटिंग भी ली। स्पिनिंग मिल में एटेक की गेट मीटिंग हुई। इसमें एटेक नेता राम कुमार ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार श्रम विरोधी नीतियां थोप रही है, महंगाई रोकने के लिए किसी का ध्यान नहीं, पूंजीपतियों को फायदे पहुंचाने की निरंतर कोशिश चल रही है, ऐसे में कर्मचारी संगठन चुप नहीं रहेगा। देश के अंदर जिला मुख्यालयों के ऊपर राजस्थान की वसुंधरा राजे की सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा। मांगे बिजली बोर्ड का निजीकरण करना, राजस्थान रोडवेज का निजीकरण करना, राष्ट्रीय कृषि उद्योग उनको निजीकरण करना और PPP के नाम पर राजस्थान की सरकार जिस तरीके से ठेका प्रथा लाकर राजस्थान के मजदूरों को कमज़ोर करने में लगी है, उद्योगों को कमज़ोर करने में लगी है, बेचने में लगी है, उन नीतियों का विरोध करना और देश के अंदर जो 1947 से बने श्रम कानूनों के अंदर जो तब्दील करने जा रही है सरकार, उनका विरोध करने के लिए 8 तारीख का प्रोग्राम हमारा धरने का है। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ प्लान फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूंगी जिन्होंने यहां पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर आई स्कोर 80% मार्क्स एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक फॉर बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज। द एनवायरमेंट ऑफ दिस कॉलेज इज वेरी लर्निंग एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ गांव में रोमाना एंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि, किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना एंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना एंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नर्सिंग फ्यूचर सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED LCD TV उपलब्ध हैं। DG वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैल्विनेटर, इलेक्ट्रोलेक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैंस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD TV, AC, रेफ्रिजरेटर,
वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर माइनिंग के एसी और हार्ड पैनल की बढ़िया एलईडियां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। बात कर्मचारियों तक नहीं है। राजस्थान शिक्षक संघ भी पंचायती राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया और शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ के बयानों से आहत हैं। संघ ने शिक्षक दिवस पर मंत्रियों की ओर से दिए गए वक्तव्यों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार सुनियोजित तरीके से शिक्षकों को बदनाम करने पर तुली है, जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ की बैठक राजकीय प्राथमिक विद्यालय संख्या 1 टाउन में हुई। मनोहर लाल बंसल, हरलाल ढाका, जगदीश यादव और प्रेम चोपड़ा आदि ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि पंचायती राज और शिक्षा मंत्री ने शिक्षक विरोधी बयान देकर अपनी ओछी मानसिकता का प्रदर्शन किया है। शिक्षक वर्ग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए 10 सितंबर को तहसील स्तर पर और 14 सितंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। जो सरकार के विभिन्न दो मंत्रियों ने अलग अलग इस तरह से बयानबाजी की है और शिक्षक समाज का अपमान किया है, उसके विरोध में सभी शिक्षक संघ लामबंद हुए हैं और हम सब ने प्रदेश स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी 10 सितंबर को तहसील स्तर पे और 14 सितंबर को जिला स्तर पे हमने सब ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया है। उस दिन हम पूरे जनमन के साथ, जनबल के साथ में और शिक्षक समाज को सारे को इकट्ठा करके हम सारे लोग इकट्ठे होंगे और इनका पुतला दहन करेंगे और इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, घोर शब्दों में निंदा करते हैं। क्षेत्र के जाने माने साहित्यकार और वरिष्ठ अध्यापक ओम पुरोहित कागत और जाने माने चित्रकार रामकिशन अडिग का अभिनंदन किया गया। लॉयंस क्लब भट्टेर की ओर से मिल्टन लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम में हुए आयोजन में क्लब के प्रतिनिधियों ने कहा कि दो विभूतियों को सम्मानित कर क्लब भी खुद को सम्मानित महसूस कर रहा है। लॉयंस क्लब भट्टेर की ओर से मिल्टन लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम में समारोह का आयोजन किया गया। इसमें जाने माने साहित्यकार और अध्यापक ओम पुरोहित कागत और चित्रकार रामकिशन अडिग को सम्मानित किया गया। कागत ने कहा कि शिक्षक हमेशा सहायक की भूमिका निभाता है। शिक्षक क्या होता है, इसमें प्रकाश डालना, तो मैं निवेदन करूं, शिक्षक जो शब्द है वो एक बहुत बड़ा शब्द है आज के दौर में, लेकिन गुरु शब्द है वो इससे भी बड़ा शब्द है। आजकल गुरु परंपरा तो समाप्त हो गई है, लगभग शिक्षकों की परंपरा आरंभ हुई है। शिक्षक वह व्यक्ति जो शिक्षा देता है, लेकिन शिक्षा देना मैं उचित नहीं मानता, और दुनिया का कोई भी विद्वान जो है, शिक्षा शास्त्री है या मनोवैज्ञानिक है, वो शिक्षा देना उचित नहीं मानता। शिक्षक एक सहायक की भूमिका निभाता है आज के, सुविधा प्रदाता कहते हैं उसे हम। हम लोग ये कभी भी नहीं मानकर चल सकते कि बच्चों को कुछ नहीं आता, बच्चों को इतना कुछ आता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। शिक्षक उसका सहयोगी बनकर उसके भीतर की क्षमताओं को बाहर लाता है। लॉयंस क्लब के नरेश महन ने कहा कि दोनों विभूति अपने आप में सशक्त हस्ताक्षर हैं, इन्हें सम्मानित कर संस्था खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है। वहीं अडिग ने सम्मान को अविस्मरणीय बताया। और इस आयोजन में वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षक ओम पुरोहित कागत का सम्मान किया गया लॉरेंस क्लब भट्टेर के द्वारा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कलाकार और जॉन मिल्टन लाइब्रेरी में साहित्यकारों की मूर्तियां स्थापित करने वाले शिक्षक श्री रामकिशन अडिग का लॉरेंस क्लब के पदाधिकारियों ने शॉल उड़ाकर सम्मान किया। और इस सम्मान समारोह में लॉरेंस क्लब भट्टेर इन महान हस्तियों को सम्मानित करके स्वयं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि समाज में अधिक से अधिक शिक्षकों का सम्मान किया जाए, जिससे आने वाला समाज और हमारी पीढ़ी उन शिक्षकों से कुछ संदेश ले सके। शिक्षक सभी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है।
मैं मेरे गुरुजी सुमहेंद्र जी को याद करना चाहूँगा और उनको मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन मैं उनको यहाँ से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज शिक्षक दिवस पर सम्मानित हो सकूँ। और इस अवसर पर इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती कि मैं अपने गुरु को याद करूँ। कंप्यूटर डिप्लोमा करवाने के नाम पर विद्यार्थियों के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। नाराज विद्यार्थियों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। ये है वो विद्यार्थी जो कंप्यूटर डिप्लोमा करवाने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने एक सेंटर पर फीस भी जमा करवा दी लेकिन ना तो कोचिंग दी गई और ना ही कुछ और, अब फीस भी वापस नहीं की जा रही, लिहाजा उन्होंने प्रदर्शन किया। हमारे डबली रठान गांव से कुछ लड़के और लड़कियां जिनके एक मनदीप सिंह सेंटर पीलीबंगा से जो हमारे को कोर्स करवा था रहा था आर के सिल का, लेकिन उसने कई लड़के लड़कियों से पैसे भी वसूल लिए लेकिन उसके बाद ना तो उनको कोर्स करवाया गया और ना ही उनके पैसे वापस दिए गए, जिसके संदर्भ में पहले भी एक दो बार रिपोर्ट दी गई है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो उसके लिए आज हम कलेक्टर में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक आरकेसीएल के कोचिंग फर्जी कोचिंग सेंटर चलाकर इनसे पैसे ऐंठने के नाम पर हमने पहले भी एक मुकदम एक एसपी साहब को ज्ञापन दिया था जिस पे एसपी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की और आज हमने जिला कलेक्टर साहब को यह ज्ञापन दिया है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। हनुमानगढ़ में 14 सितंबर को विप्र समागम होगा जिसमें ब्राह्मण समाज से जुड़ी विभिन्न राजनीतिक शख्सियत शिरकत करेंगे। दुर्गा मंदिर परिसर में होने वाले समारोह की तैयारी जोरों पर है। प्रचार रथ रवाना किया गया है जो शहर और गांव में घूमकर समागम का प्रचार करेगा। वहीं कार्यक्रम की तैयारी को लेकर रविवार को समीक्षा बैठक भी हुई। विप्र फाउंडेशन की बैठक रविवार को महर्षि गौतम आश्रम में हुई। जिलाध्यक्ष दिनेश दाधीच, नगर परिषद के उपसभापति कालूराम शर्मा, पूर्व पार्षद उदयपाल सारस्वत, पार्षद देवेंद्र पारिक, युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विकास भानोत आदि ने शिरकत की। वक्ताओं ने कहा कि 14 सितंबर को होने वाला विप्र समागम हनुमानगढ़ के इतिहास में अविस्मरणीय होगा। इसमें सांसद रामचरण बोहरा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सहित विभिन्न राजनीतिक हस्तियाँ शिरकत करेंगी। समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। इसके तहत भगवान परशुराम रथ तैयार किया गया है जो घूम घूम कर कार्यक्रम का प्रचार कर रहा है। चोना फाटक पर भाजपा नेता डॉक्टर भारत भूषण शर्मा, दिनेश दाधीच, कालूराम शर्मा, भवानी शंकर शर्मा, पंडित जसवीर शर्मा, महेंद्र सारस्वत और नरेंद्र पुरोहित आदि ने झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। फाउंडेशन की तरफ से विशाल ब्राह्मण समाज का समागम दिनांक 14 सितंबर को दुर्गा मंदिर धर्मशाला में होने जा रहा है, जिसमें सभी ब्राह्मण भाइयों से और विशेष तौर से युवा शक्ति से मैं अपील करता हूँ, मातृशक्ति से भी और बच्चों से भी, सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम की हौसला अफजाई करें। जिले के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया जाएगा और इस सम्मेलन को संबोधित करने के लिए बीकानेर जयपुर शहर के सांसद डॉक्टर रामचरण बोरा, चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी एवं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पधार रहे हैं। इस सम्मेलन के प्रचार प्रसार के लिए आज विप्र फाउंडेशन ने प्रचार रथ रवाना किया है जो जिले में और सभी गांवों में और शहर में जाके प्रचार करेगा और अधिक से अधिक संख्या में प्रचार प्रसार होगा और ब्राह्मण प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। 14 को सुबह 11 बजे
मेरा सभी युवा साथियों से, मातृशक्ति से और बड़े बुजुर्गों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर और ब्राह्मण एकता का परिचय। रविवार का दिन धार्मिक कार्यक्रमों के नाम रहा। आईटीआई बस्ती में हनुमान मंदिर में रामायण का पाठ होगा। इस उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं गणेश उत्सव का समापन किया गया। इसके तहत गणाध्यक्ष गणेश की मूर्ति का नहर में विसर्जन भी किया गया। हनुमानगढ़ यूं तो धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों में अग्रणी रहता है, लेकिन रविवार को जैसे भगवान श्री राम और गणेश के उत्सवों की धूम रही। जंक्शन स्थित आईटीआई बस्ती के हनुमान मंदिर में हनुमान सेवा समिति और अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में अखंड रामायण का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में रविवार को शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें राजेंद्र सिंह रोमाना, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी, मौजूदा अध्यक्ष दुष्यंत चाहर, छात्र नेता पारितोष सारस्वत और इकबाल सिंह गिल आदि ने झंडे दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। अन्नपूर्ण सेवा समिति व हनुमान मंदिर सेवा समिति द्वारा आज कलश यात्रा निकाली गई है। कल इसमें रामचरितमानस का पाठ होगा और परसों इसमें ये भंडारा होगा। ये दोनों समितियां इसमें सहयोग कर रही हैं। 7 सालों से अखंड रामचरितमानस का पाठ चल रहा है और आज 3 साल से कलश यात्रा निकाला जा रहा है। 51 कलश इस बार निकाला जा रहा है और कल रामचरितमानस का पाठ चालू हुआ और परसों इसका विसर्जन होगा और परसों मंगलवार को इसका भंडारा भी होगा। गणेश उत्सव का समापन रविवार को हो गया। इस उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। गणेश के भक्तों ने देवाधिदेव महादेव को खूब रिझाया। झांकियों ने भक्तों का न सिर्फ मनमोहा बल्कि खूब उत्साहित भी किया। समिति द्वारा आयोजित ये दूसरा गणेश महोत्सव है। आज इसकी शोभा यात्रा और भंडारा हुआ था विसर्जन के लिए। गंगानगर रोड नए रोड पे इसका विसर्जन किया। और आखिर में सेहत से जुड़ी खबर। विश्व फिजियोथेरेपी डे के मौके पर सोमवार को टाउन जंक्शन रोड के पास स्थित एक्टिव लाइफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर कैंप लगाया जाएगा। इसमें लोगों को निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। रविवार को संचालक डॉक्टर राम कुमार सिहाग ने पत्रकारों को फिजियोथेरेपी के बारे में विस्तार से बताया। टाउन जंक्शन मार्ग के पास स्थित है एक्टिव लाइफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। संचालक हैं डॉक्टर राम कुमार सिहाग। डॉक्टर सिहाग कम ही समय में जिले और आसपास के क्षेत्रों में यश हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर राम कुमार सिहाग के मुताबिक खान पान और बदलती जीवन शैली के कारण लोग हड्डी और नस संबंधी रोगों की गिरफ्त में आ रहे हैं। इससे निजात पाने में थेरेपी सिस्टम कारगर है। केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं, स्लिप डिस्क केस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस केस, लंबर पंक्चर के इस टाइप के केस आ रहे हैं, जिनके जैसे कि सियाटिका है। सियाटिका आज के टाइम में कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। बेड रेस्ट से अच्छा है कि स्पेसिफिक एक्सरसाइज करी जाए, उसमें फिजियोथेरेपी टेक्निक्स है। फिजियोथेरेपी में जैसे कि एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और मैनुअल थेरेपी होता है। एक्सरसाइज थेरेपी में स्पेसिफिक हर पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग कसरत होती है। इलेक्ट्रोथेरेपी में टेंस है, अल्ट्रासाउंड है, ट्रैक्शन मशीन्स है, काफ़ी मशीन्स है जिनके थ्रू पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। मैनुअल थेरेपी स्पेशल एक फिजियोथेरेपिस्ट स्पाइनल मोबिलाइजेशन में ट्रेंड होता है, जो कि अपने हाथों हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट कहते हैं, हाथों से स्लिप डिस्क को ट्रीट करता है। इस तरीके से आप हेवी से हेवी स्लिप डिस्क हिली हुई उसको बिना ऑपरेट करे ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर राम कुमार सिहाग के मुताबिक फिजियोथेरेपी की भी कुछ अलग अलग प्रक्रिया है। कुछ उपकरणों के माध्यम से भी राहत दिलाई जाती है
तो कुछ केसेस में नियमित व्यायाम से, लिहाजा सोमवार को निःशुल्क शिविर लगाया जाएगा। डे के लिए कल 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे होता है, तो उस दिन पूरे दिन अपने क्लिनिक पे वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे का एक कैंप है निःशुल्क, उसमें सीपी बच्चे हैं और स्पाइन के कोई भी प्रॉब्लम के या नी पेन है, शोल्डर पेन है, नेक पेन है, किसी भी टाइप का पेन है, उसको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।